हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन कहने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म मूवी सिंघम अगेन, जो कि दिवाली पर थिएटर्स को स्टेडियम में बदलने वाली है। और यहां पर सिंघम अगेन मूवी को लेकर बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं वो निकल कर आ चुकी है। यस, इनकी यहाँ पर ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि सिंघम अगेन मूवी के सेकेंड ट्रेलर को लेकर कहा जा रहा है कि इस मूवी का जो सेकंड ट्रेलर है वो भी रिलीज किया जा सकता है। और उसके बाद इस मूवी के इस टाइम बुक माय शो पर कितने ज्यादा इंटरेस्ट है, और इस मूवी के क्लाइमेक्स को लेकर भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है। और उसके साथ साथ भाई साहब, इस मूवी का जो प्रमोशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी अपडेटेड वीडियोस को देख सकें। तो फ्रेंड, यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कि सिंघम अगेन मूवी का जो प्रमोशन है वो अब प्रॉपर तरीके से इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है। और यहां पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है सिंघम अगेन मूवी के प्रमोशन के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जिन भाइयों ने नहीं देखी तो उनको मैं थोड़ा बहुत यहां पर प्रमोशन के बारे में बता देता हूं कि यहां पर ग्राउंड लेवल पर अब रोहित शेट्टी सर ने सिंघम अगेन मूवी का जो प्रमोशन है वो स्टार्ट कर दिया। और आप सभी को पता है कि कल दशहरा थी और न्यू दिल्ली में अजय देवगन सर ने, करीना कपूर मैम ने और भाई साहब रोहित शेट्टी सर ने रावण का दहन किया। तो यहां पर अब प्रॉपर तरीके से सिंघम अगेन मूवी का प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। और धीरे धीरे जो ये जो प्रमोशन है भाई साहब, आपको और भी बड़े लेवल पर देखने को मिलने वाला है। यानी कि प्रमोशन को लेकर जो प्लानिंग है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई। और उसके बाद यहां पर अगर बात करें कि सिंघम अगेन मूवी के बुक माई शो के ऊपर इस टाइम कितने ज्यादा इंटरेस्ट हुए, तो यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस मूवी के 2,26,000 यानी कि 2,26,000 इस मूवी के इस टाइम बुक में शो के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और अभी भी सिंघम अगेन मूवी को 17 दिन बाकी हैं रिलीज होने में। यस, यानी कि यहां पर अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया, ट्रेलर के बाद आप सभी को पता है कि इस मूवी से सॉन्ग्स आने वाले हैं। तो यहां पर अगर बात करें कि क्या सिंघम अगेन मूवी का जो सेकंड ट्रेलर है वो भी हमें देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों यहां पर जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यस, यानी कि यहां पर आप सभी को पता है कि अगर मेकर्स ने दो ट्रेलर रिलीज करने थे तो मेकर्स ने पहले ही 5 मिनट का ट्रेलर क्यों रिलीज किया। यस, यानी कि यहां पर बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज तक बॉलीवुड की हिस्ट्री में 5 मिनट का ट्रेलर हमें आज तक नहीं देखा। तो यहां पर मेकर्स ने अगर 5 मिनट का ट्रेलर रिलीज करना था तो भाई साहब उन्होंने फिर सेकंड ट्रेलर क्यों प्लानिंग करना है। तो यहां पर लिटरली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सेकंड ट्रेलर के आने के जो चांसेस है वो भाई साहब बहुत ही कम है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहां पर 5 मिनट की ऑलरेडी हमने मूवी देख ली है, मूवी के क्लिप्स देख लिए हैं। तो यहां पर अगर मेकर सेकंड ट्रेलर डालते हैं जो कि 2 से 2.5 मिनट का तो लाजमी होगा, तो वहां पर भी हमें मूवी के बारे में कुछ पता चल जाएगा। तो यहां पर अभी जो स्टोरी रिवील नहीं हुई तो शायद जो सेकंड ट्रेलर आएगा उसमें स्टोरी रिवील हो जाए, तो इससे यहां पर मेकर्स को भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे मुताबिक और मेरे पास जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग इस मूवी का जो सेकंड ट्रेलर है वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। यस, यानी कि यहाँ पर सेकंड ट्रेलर अगर आता है तो भाई साहब इस मूवी की हाइप क्रिएट होगी, लेकिन शायद मेकर उसमें स्टोरी को ना रिवील कर दे, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट का जो ट्रेलर है वो ठीक ठाक था। ट्रेलर के अंदर एक से बढ़कर एक एंट्री देखने को मिली, और ऐसी भी स्टोरी को भाई साहब ट्विस्ट एंड टर्न तरीके से दिखाया गया है कि पब्लिक अब एक्साइटेड है कि भाई साहब ये स्टोरी कंप्लीट कैसे होगी। यानी कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिली, और भाई साहब स्टोरी किस तरीके से एंड होगी ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि क्लू छोड़ा गया है ट्रेलर के अंदर। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सिंघम अगेन मूवी का जो फर्स्ट ट्रेलर आया था उसने जो अपना काम करना था वो कर दिया, और यहां पर सेकंड ट्रेलर के आने के चांसेस बनते ही नहीं है। और भाई साहब यहां पर आप डायरेक्ट सॉन्ग रिलीज करो, उसके बाद मूवी को डायरेक्ट थिएटर में रिलीज कर दो। यहां पर पर्सनली मेरे पास जो अपडेट्स है उनके अकॉर्डिंग इस मूवी का सेकंड ट्रेलर नहीं आने वाला है, लेकिन आने वाले समय में ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेलर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद अगर बात करें कि यहां पर क्लाइमेक्स को लेकर क्या अपडेट्स आ रही है, तो आप सभी को पता है कि क्लाइमेक्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, यानी कि इस मूवी को पूरे तरीके से रामायण के साथ कनेक्टेड किया गया था। और आप सभी को मैंने पहले बता दिया था कि जब पोस्टर आए थे कि ये मूवी पूरे तरीके से रामायण के साथ कनेक्टेड होगी, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस मूवी का जो क्लाइमेक्स होने वाला है
वो बॉलीवुड की हिस्ट्री का नंबर वन क्लाइमेक्स होने वाला है। यस, कहीं नहीं कि यहां पर सबसे फाड़ू टाइप का जो क्लाइमेक्स है वो हमें सिंघम अगेन मूवी का देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहां पर सच में इस मूवी के क्लाइमेक्स के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लाइमेक्स का जो बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ था। यस, कहीं नहीं कि मूवी के बजट को छोड़ दो, मूवी का बजट तो आप लोग कह रहे हैं कि 300-350 करोड़ है, लेकिन सिर्फ क्लाइमेक्स का जो बजट था वो 25 करोड़ था। यानी कि इतना ज्यादा खर्चा किया गया है जो कि आज तक पूरी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर किसी भी क्लाइमेक्स के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया गया जो कि सिंघम अगेन मूवी के क्लाइमेक्स पर किया गया। तो यहां पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जहां पर हमें सभी स्टार एक साथ गन के साथ एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे तो वो इस मूवी का क्लाइमेक्स सीन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्लाइमेक्स सीन होगा, क्योंकि सूर्यवंशी का भी लास्ट का जो क्लाइमेक्स था वो सेम ऐसा ही था, और रोहित शेट्टी सर सेम क्लाइमेक्स हमें शायद ना इस मूवी के अंदर, लेकिन वहां पर सबकी एंट्रीज होने वाली है। उसके बाद आप सभी को पता है कि इस मूवी के लास्ट में हमें सलमान सर का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलने वाला है जो कि कंप्लीटली शूट हो चुका है। तो यहां पर बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि मैंने आप सभी को एक वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो यहां पर आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो को देख सकते।